अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान है और आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एक पाकिस्तानी भाई के घर। और आज पहले की तरह फिर मैं लेट हो गया हूँ। ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमारी सीटिंग एरिया है यहाँ पे, तो ये असल में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है हाफिज़ भाई का, जिनसे आप पिछले ब्लॉग में मिल चुके हैं। तो अभी नाश्ता चल रहा है, मैं अभी पहुँचता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं भाई? हाँ जी यार, आप लेट हो गए सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, माजरत यार। ये भाई नान चल रहे हैं सुबह सुबह, कॉफ़ी, दालें, माशाल्लाह। मौसम आज बहुत प्यारा है और मैं अभी पहुँचा हूँ। चलो भाई चलो, बसें तैयार हैं, बैठो, कुछ छतों पे हो जाओ। बसें तैयार हैं, बस निकलने लगे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? अभी हम जा रहे हैं एक और पाकिस्तानी भाई के यहाँ। जी इनवाइटेड हैं। अच्छा, तो बसें तैयार हैं, अभी बस निकलने लगे हैं। अच्छा जी, बुजुर्ग हमेशा आगे। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? तंजुंग मोरावा। तंजुंग मोरावा दोस्त के पास। चलो यार दुआ करो जी, चार्जर दे दो भाई को। चलो आप आगे बैठो, मैं पीछे जा रहा हूँ यहाँ से। भाई अभी पहुंच चुके हैं जो पाकिस्तानी भाई यहाँ पे एक रहते हैं, और इनके यहाँ पे फिश फार्म है कुछ, और साथ में यहाँ पे घोड़े रखे हुए हैं, कई चीज़ें रखी हुई हैं। ये हैं रिजवान भाई। अस्सलामु अलैकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, आप सब खैरियत है? चलो माशाल्लाह। तो अभी वो बिजी हैं कुछ, ये इकट्ठे कर रहे हैं जो फिशिंग रॉड हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ये देखें ये क्या चीज़ है, ओए। और साथ में कुत्ते, वहाँ पे वो बंदर भी है, बकरियाँ, ये बंदर रखा हुआ है साथ, और ये इधर बकरियाँ रखी हुई हैं ऊपर, साथ में कुछ घोड़े रखे हुए हैं एक दो। सामने दूसरी तरफ से जाता हूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अभी भाई ने बताया ये मुर्गियाँ खाता है, इसको कहते हैं मूसन। बड़ा चालाक है, बहुत लंबी पूछ है इसकी जी। ये भाई है जैक फ्रूट, बहुत बड़े बड़े फ्रूट हैं ये। इस पर एक शॉट बनाई थी मैंने पहले, ये 5 से 10 किलो का होता है, काफ़ी डिलीशियस होता है, मीठा होता है और जायका बहुत अच्छा होता है। ये आगे जी एक जोड़ा है घोड़ों का, मुर्गियां भी रखी हुई हैं, और उसके अलावा ये फ़िश फार्म है इनके। ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे रिजवान भाई रह रहे हैं, तो माशाल्लाह सारे शौक़ पूरे किए हुए हैं। अभी जी फिशिंग रोड तैयार हो रहा है। गंभीर मामला है लेकिन हो जाएगा। ये तीन रोड ये भी पड़े दो से लगे होंगे, आखिर ये हो गया रेडी। हम पाकिस्तानी हर काम में होते तो तजर्बेकार हैं। जुगाड़ू भाई की इंडोनेशिया में 4 शादियां हैं और एक शादी जो है वो पाकिस्तान में है, 5 शादियां टोटल। माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये है भाई नारियल, पक्के हुए हैं तकरीबन। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने पार्टीशन की हुई है, तो कुछ 2 महीने के हैं मछली के बच्चे, कुछ 4 महीने, कुछ 6 महीने। हाँ जी पाई ना, की हाल ने? वधिया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये है पपीता।
यहाँ पे कहते हैं पपाया, अभी कच्चा है, पक जाएगा तो येलो हो जाएगा। और आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं दिखाने वाली, जो हम छालिया खाते हैं सुपारी में, तो ये उसके दरख्त हैं, ये पतले सारे, इसे पीनंग कहते हैं इंडोनेशियन ज़बान में। और आगे जो है वो कुछ पौधे और लगे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं। डूब गई है, दो सीटा ने बहन वाली कश्ती डूब गई। ओहो वाला नहीं, ये है 3 महीने की उम्र की मछली, नीला ही है, क्या बात, नीला सारी नीला, मगर नीला है डरी पौधी है, सुड़ा बाया तो मंगवाई है। अच्छा, बीबी तो थोले आंदा है सुड़ा बाया, थोड़ा जी येलो कलर दी है, हुआ नहीं 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 है, थोड़ी काले रंग दी, काले रंग दी पोनो होता है दा, थोड़ी अच्छा 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 इस तरह होती है, सीधी नहीं होती, ऊपर निकली हुई होती है ऐसे, हां थोड़ी ऊपर होती है। भाई ये कितना डूंगा है पानी, बहुत है, समेत सतु 1 मीटर 1.5 मीटर इस तरह ही है, क्या बात है, बहुत ज्यादा। मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, अभी बारिश मौसम हो गया है, हाँ जी आप भी वीडियो बना रहे हैं छोटी भाई, ये कॉफी मिल गई हमें अभी, वो क्या था, लावक, वो लावक नहीं यार, लुवा लुवा लुवा। अभी फिशिंग हो रही है जी, लो जी अरसलान ने मछली पकड़ ली, आप सब आप आ गए हो, किथे थोड़ दी थी, ये देखें ओए होए होए होए, कांटे लगे हैं, एकदम ना चुकना पैर, खून पसीने की कमाई हो रही है, आप पिछले कंडे जो खड़े है ना, वो कैसा लगा आपको मछली पकड़ के अरसलान, मजा आया, हाथ भी दिखाओ कांटा किधर लगा है, खून खून हो गया, चलेंगे ये खून पसीने की कमाई हो गई। अभी हमने फ़िशिंग कंप्लीट की है, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है आज फ़िशिंग को, और 5 मछलियाँ एक हमारे भाई ने पकड़ी हैं यहाँ पे, और 2 मैंने पकड़ी हैं, तो आपको मछलियाँ दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने पकड़ी हैं, ये देखें जी इस जाली में हैं वो मछलियाँ जो हमने यहाँ से पकड़ी, अभी ये यहीं पे हैं, बाद में इन्हें पकाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं भाई के पास जिनके आज हम मेहमान हैं, तो आपको मज़ीद उनका तारुफ करवाते हैं अभी। अच्छा, तो अभी हमारे साथ हमारे मेज़बान मोहम्मद रिजवान भाई मौजूद हैं, और इनसे कुछ सवालात करते हैं, साथ में चहलकदमी भी करते हैं। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आज इतना टाइम दिया, हमारी खातिर तवाज़ा की, खाना खिलाया और मछलियाँ भी पकड़ने दी अपने फार्म से। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितना अरसे से हैं इंडोनेशिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तकरीबन 20 से 21 साल हो गए हैं, आता जाता रहता हूँ, मगर लास्ट टाइम आखिर 6 साल में मैं इधर में प्रॉपर जो है वो फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ बेहतर जा रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि इंडोनेशिया में आप आए, आपने यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में माइंड सेट था वो आपने आके शादी की, या आपने स्टार्टिंग में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया? नहीं, स्टार्टिंग में शादी मैंने दूसरे कंट्री में कर ली थी, मगर इंडोनेशियन सिटीजन से की थी। ठीक है, तो इधर में आया, मैंने देखा इधर में बहुत चांसेस हैं। ठीक है, मगर जैसा कि पाकिस्तानियों आप सबको पता होना चाहिए कि इधर में नौकरी के जो है ना, ठीक है, वो कोई इतने चांसेस नहीं है। हाँ, और मैंने बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ा थोड़ा, मगर स्टार्टिंग से ही मैं ज़्यादातर फार्मिंग से ही अटैच रहा। ठीक है, कभी वो बत्तख रख ली, कभी कोई इस तरह बकरियां रख ली, थोड़ा 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 करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा आपने देसी माहौल बनाया हुआ है इंडोनेशिया में, और अभी जो नए पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इंडोनेशिया में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जो चाबी है सक्सेस की वो वालदैन है। बिल्कुल, जब भी इधर आना है तो उनकी मर्ज़ी के साथ आना है, अगर वो इजाज़त देते हैं, ये नहीं ज़िद करके। जब बंदा ज़िद करके नाफरमानी करके आता है तो फिर आगे से अंधेरे ही होते हैं। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह नियत बना के इजाज़त लेके आएं और आके ट्राई करें, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इधर में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी बहुत अच्छे हैं इधर में, पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करते हैं लोग, और इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज काफ़ी टाइम दिया। यहाँ पे लास्ट सवाल कि ये आपका टोटल फार्म हाउस कितना एरिया है इसका? 2.5 हेक्टर। 2.5 के हिसाब से तकरीबन कितना हो गया? एकड़ होंगे तकरीबन 7 मेरे ख्याल में। जी, 5-7 एकड़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और इंटरव्यू करने का मौका दिया। अभी भाई खाना स्टार्ट कर रहे हैं, चिकन संभल नासी बुंकुस फार्म हाउस पे। माशाल्लाह रिजवान भाई की जो टोटल यहाँ पे ज़मीन है वो तकरीबन 7 एकड़ है, और काफ़ी ज़्यादा देसी माहौल बनाया हुआ है। फार्म और तकरीबन हर चीज़, गाय भैंसें बकरियाँ, माशाल्लाह। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अभी वापसी की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इंशाल्लाह। चलें भाई अभी वापसी करते हैं, एक गाड़ी अभी जा चुकी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।